स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि नीट 2019 में फिजिक्स से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप सबको बता दूं कि नीट 2020 के लिए काफी कम समय बचा हुआ है, आपको इस टाइम पे अब स्मार्ट स्टडी करना है फिजिक्स में, ताकि 120 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए आप। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको सबसे पहले वही चैप्टर कवर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं और नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो नीचे देखिए लाल सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें एंड हिट द बेल आइकन उसी के बगल में, ताकि नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिलता रहे। और फ्रेंड, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे स्मार्ट नौकरी सर्च करके ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैंने बहुत सारा नोट्स अपलोड किया हुआ है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और बहुत सारा नोट्स इंपॉर्टेंट अपलोड किया है। और ये जो लिस्ट अभी बता रहा हूँ, ये लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो भी चाहिए आपको वहां पे। तो फ्रेंड, ये रहा आपके स्क्रीन पर लिस्ट। देखिए यहाँ पे चैप्टर्स नेम है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 2019 में ओडिशा में दोबारा एग्जाम हुआ था, जबकि दोनों नीट ने ही कंडक्ट किया था, तो उसका भी जो दोबारा हुआ था उसका भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां पर मैंने लिस्टिंग कर दिया, ताकि आप कंपेयर कर पाएं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, यहां पर देखिए इलेक्ट्रो स्टेट्स जो चैप्टर्स हैं, तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, और उड़ीसा में दो क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तीन क्वेश्चंस, यहां पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चंस, यहां पर भी तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेमी कंडक्टर से दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स से तीन क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब तीन से चार क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से पूछे ही पूछे जाते हैं। थर्मल फिजिक्स से चार चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं आप सबको बता दूं कि अगर यही दो चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग आपके पास है, आपने किया हुआ है, तो तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस इतना कम से कम पूछेगा। तो थोड़ा सा फोकस अच्छा से करें, अभी भी टाइम है फ्रेंड, अच्छा से फोकस करें। जो मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर्स को आपको कवर होना ही चाहिए 100% अच्छे तरीके से। मैग्नेट एंड इट्स रिलेटेड टॉपिक से तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काइनामेटिक से दो क्वेश्चंस, और ओडिशा में तीन क्वेश्चंस। फ्लूइड एंड मैटर से तीन क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब नीट ने दोनों एग्जाम्स में सेम क्वेश्चंस, यानी जो पैटर्न नीट का है वो लगभग सेम है, उसको फिक्स है कि एक क्वेश्चंस का डिफरेंस में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाना है। एनएलएम एंड फ्रिक्शन से दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोटेशन से दो क्वेश्चंस, और उड़ीसा में एक क्वेश्चंस। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चंस, यहाँ पे दो क्वेश्चन, मतलब वेव ऑप्टिक्स से भी दो क्वेश्चंस आते हैं, एक से दो क्वेश्चंस। रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट से चार क्वेश्चंस, यहाँ पे दो क्वेश्चंस, मतलब रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट से तीन से चार क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस कम आ जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन से चार क्वेश्चंस, यहाँ पे दो क्वेश्चंस। फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो लिस्ट मैंने जारी किया है, आपको बताया है, ये मैंने डाटा बताया है कि पिछले साल किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि नीट 2019 में जो एग्जाम होता है, 38 क्वेश्चंस इन सभी चैप्टर से पूछे गए हैं। ओडिशा में भी 35 क्वेश्चंस, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लस माइनस 35 क्वेश्चंस, मतलब या तो 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस इन सभी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं 2020 में, या एक दो क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कम तो चांस नहीं है, 35 क्वेश्चंस मिनिमम या इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस इन सभी चैप्टर से आएंगे इस साल 2020 में, जो एग्जाम होने वाले हैं 3 मई को इन एग्जाम में। तो फ्रेंड, इन जो चैप्टर्स को मैंने लिस्ट बताया, इस पे आप सभी का पकड़ जो है अच्छा से होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा, ताकि आप स्कोर अच्छा कर पाए। जो स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं हो पा रहा है, 70-80 मार्क्स के ही अप्रोक्स है फ्रेंड, वो या इससे कम है या इससे ज़्यादा है, तो फ्रेंड आसानी से उन सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ गेन कर पाएंगे। अगर आप सभी का 60 से 70 मार्क्स ही आ रहा है, तो आसानी से आप 120 इसको ले जा सकते हैं इन सभी चैप्टर्स को करने के बाद। मैं आपको एक जगह बता दिया हूँ, अब आपको सोचना है कैसे मैनेजमेंट करना है आप सभी को। फ्रेंड, ये जो लिस्ट आपको चाहिए, या मैंने फिजिक्स का बहुत अच्छा से अच्छा नोट्स मैंने अपलोड किया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे मुझे सिर्फ मैसेज करें नोट्स, और मैं आपको लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ें। 15 से 20 मिनट में है ना, एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं आप, उसके बाद क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छा नोट्स है। तो वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी भी नीट के रिलेटेड अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।